तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा परपेचुअल मोशन फ्री एनर्जी फ्लाईव्हील है। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसे बनाना दिखाया था। इस वीडियो में मैंने इसमें जनरेटर लगा दिया है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बल्ब्स एंड टूल्स अब इससे चलाए जा सकते हैं बिना किसी पावर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3-4 बल्ब्स लगाए हैं और ये सब चल रहे हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट को बनाना कैसे, ये काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कि जो लोग स्टार्टिंग के 15-20 सेकेंड देखकर वीडियो पे जजमेंट देते हैं, उनका जजमेंट नहीं सही होता है। इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, और इसके कई रीजंस हैं कि पूरा क्यों देखें। सबसे पहली बात यह है कि अगर वीडियो फेक है या रियल है, जो भी है, उसका एक्सपोजिंग ना मिडिल में वीडियो के या एट द एंड ऑफ द वीडियो ऐसे ही होगा, बिगिनिंग में नहीं होगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुंचना ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ये बात कि जो वीडियोज़ हैं वो फेक है कि नहीं है और रियल है कि नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ही मैंने ये बता दिया या डिस्क्लोज कर दिया ये ट्रूथ, तो उसके बाद फिर जो व्यूअर है वो स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट देखकर ही चला जाएगा, जिसकी वजह से वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम गिरेगा। और यूट्यूब की नज़र में ये चीज़ बहुत ही बुरी होती है, जिसकी वजह से वीडियो को यूट्यूब पर प्रमोट नहीं कर पाता है, मतलब करता ही नहीं है। और वीडियो को अगर यूट्यूब नहीं प्रमोट करेगा तो ज़्यादा लोगों तक करेक्ट मैसेज कैसे पहुँचेगा। इसलिए स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को मैं नहीं बता सकता कि ये रियल है या फेक है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से 3 तरीके के व्यूअर्स मुझे मिले हैं अपने वीडियोज़ में। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मैंने मिस्टर इलेक्ट्रॉन पॉल्टन इंग्लो चैनल पे डालना शुरू किया है। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ गए, अराउंड 3 लाख के ऊपर व्यूज़ पहुँच चुके हैं। तो वो वाला कंटेंट इंग्लिश में है और ये वाला आपका हिंदी में है। तो अभी स्टार्टिंग में अगर मैंने बता दिया तो नहीं देखेगा, तो लोगों ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात? तो इस वजह से वीडियो का लंबा होना और स्टार्टिंग में इस चीज़ का या ट्रूथ का डिस्क्लोज करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अगर कर दिया तो आगे चल के एवरेज व्यू ड्यूरेशन और वॉच टाइम प्रॉपर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो मैंने बताया आप लोगों को, कि 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला, जो आप लोगों की स्टार्टिंग की ही वीडियो के 20-25 सेकेंड देखते हैं और फिर अपना जजमेंट देते हैं कि यार भाई आपने तो फेक कर दिया है, फेक कंटेंट कर दिया है, और फेक नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है, और ये सब झूठ बात है, और ये टोटल स्कैम है, और ये एकदम सिर्फ आसमान में और यहाँ इस प्लेनेट पे तो नहीं हो सकता। दुनिया के अजीब और गरीब ज़बरदस्त तरीके के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। और भैया भाई, मेरे को भी पता है स्कैम है, स्टार्टिंग में नहीं पता है पर एंडिंग में, मीडियम में, सब में प्रॉपर डिस्क्लोज किया है मैंने, लेकिन अब मैं किस किस को समझाऊँ ये चीज़? तो वो तो नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद फिर बारी आ जाती है दूसरे तरीके के लोग, जो लोग स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स देख करके खुश हो जाते हैं कि चीज़ काम कर रही है। तो वो लोग बोलते हैं कि बंदा क्या काम कर दिया भाई आपने, आपने तो ज़बरदस्त काम कर दिया है, ये चीज़ एक्चुअल में काम कर रही है, और इसी पर और काम करिए, इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करिए, इस तरीके के कमेंट भी मिलते हैं। और फाइनली बहुत ही कम परसेंटेज है उन लोगों की जिन्होंने एक्चुअल में वीडियो एंड तक देखा होता है और उसके ऊपर फिर प्रॉपर उसके ऊपर जजमेंट वो ही लोग दे पाते हैं कि एंडिंग में काम करेगा कि नहीं करेगा। ये वाली परसेंटेज बहुत कम होती है जो एंड तक देखती है, बाकी लोग ज़्यादातर जो है स्टार्टिंग का पार्ट देख करके। कई लोगों का तो मेरे पास मैसेज, मतलब सॉरी, कमेंट आया वीडियो पे कि मैंने फर्स्ट हाफ देखा एंड आई वाज गोइंग टू अनसब्सक्राइब, मतलब मैं अनसब्सक्राइब करने वाला था, लेकिन फिर बहुत अच्छा हुआ कि मैंने एंडिंग का पार्ट देख लिया, वरना मुझे लगा कि आपने भी फेक कंटेंट डालना शुरू कर दिया यूट्यूब पे। आपको मैं ये वीडियो में ये वाली सारी बात बोल कर इसीलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं बताई जा सकती कि वीडियो फेक है कि ट्रू है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला पार्ट है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और अभी कल या परसों मैंने जो है इलेक्ट्रो बूम की भी वीडियो देखी, उसने डिस्क्लोज किया ट्रूथ को कि ये फ्री एनर्जी नहीं है, फ्लाई व्हील से फ्री एनर्जी नहीं बन सकती, स्प्रिंग से नहीं बन सकती, बल्कि किसी भी चीज़ से नहीं बन सकती है। और एक कंटेंट क्रिएटर है क्रिएटिव थिंक करके, तो उसका रिसेंटली वीडियो जो है अराउंड 370K यानी 3,70,000 के आसपास पहुंचा। और कमाल की बात यह है कि अभी रिसेंटली 3-4 या 5 महीने पहले ही उसने फेक करना शुरू किया था, और उससे पहले उसके जो है लाइक प्रॉपर वीडियोज़ ही पढ़ते थे, फेक नहीं होते थे ज़्यादातर। जहाँ तक मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं देखा, पर जितना देखा मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फ्री एनर्जी वाला टर्म या परपेचुअल मोशन या इस तरीके की चीज़ मैंने ज़्यादा नहीं देखी, पर जैसे ही वो आया, इलेक्ट्रो बूम ने उसको पकड़ लिया। अब इलेक्ट्रो बूम के थंबनेल में इतना बड़ा बड़ा थंबनेल उसका लगा हुआ है, वो बेचारा नप गया इस चक्कर में। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पहले ये काम नहीं करता था क्रिएटिव थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, अगेन मैं कह रहा हूँ,
तो उससे जो है सही रास्ते पे आने की थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है कि उसने अभी रिसेंटली शुरू किया है, क्योंकि व्यूज़ गिर रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा, सारे लोग जो है इसी चीज़ के बारे में क्यूरियस हैं, फेक से पैसा मिलेगा तो चलते हैं करते हैं ना, तो किया होगा फिर उसने, और उसको व्यूज़ भी मिले, पैसा भी मिला, बट अल्टीमेटली अब भरोसा उठेगा सारे लोगों का उसके ऊपर से, क्योंकि उसने फेक कर दिया है और थंबनेल भी आया है, और ना सिर्फ थंबनेल बल्कि उसकी वीडियो का कुछ पोर्शन भी डाला है इलेक्ट्रो बूम ने अपने वीडियो में रिसेंटली। तो एनीवेज उसको ये नहीं करना चाहिए था, बेटर था कि वो मेरी ही तरह इस प्रोजेक्ट को एक्चुअल में एक्सपोज कर देता, ना कि उन लोगों को ज्वाइन करता फेक करने के लिए। और ये बात मैं सिर्फ उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने एक के बाद एक ये काम शुरू कर दिया है कि यार इस बंदे का वीडियो हिट जा रहा है, इसको कॉपी करके अपना बनाना स्टार्ट कर लो। कि जैसे आपका, मैंने अभी रिसेंटली कल कल एक वीडियो डाली थी अपने मिस्टर इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेटर चैनल पे, अगेन वो आपका सीडी के थ्रू जो है सोलर पैनल बनाने का, क्योंकि 2-3 दिन पहले लिबर्टी इंजन ने भी सेम प्रोजेक्ट डाला था, और थोड़ा बड़ा चैनल है इस, मैं मानता हूँ फेक एंड स्कैम्स के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्क्लोज़ नहीं की हैं अभी, कितना क्या है क्या नहीं है वो पता करना बाकी है, लेकिन ये सोलर वाला सही नहीं था। इसके ऊपर भी वीडियो जो है रिसेंटली आएगी इस चैनल के ऊपर, जो जैसा हिंदी में अभी बना रहा हूँ मैं ये वाला। हाँ, और ये जो फ्लाई व्हील फ्री एनर्जी जनरेटर है, ये आप देख रहे हैं ना, इसका एक और पार्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है राइट नाउ, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो ऑल्टरनेटर चैनल पर डाला था ना, उस पर मेरे पास कई लोगों के कमेंट आए कि आपने इतना बड़ा फ्लाई व्हील यूज़ किया, इतना भारी, और उसके बाद आपने सिर्फ दो ही तो स्प्रिंग्स लगाए हैं, तो वो उतने दो स्प्रिंग्स कहाँ से उसको ड्राइव कर पाएंगे, एक तो ये कमेंट था। दूसरा कमेंट ये था कि स्प्रिंग्स को आपको स्पेसिफिकली 60 डिग्री के एंगल पर रखना है, कोई कह रहा है 4 स्प्रिंग चाहिए, कोई कह रहा है फ्लाई व्हील बहुत बड़ा है, कोई कह रहा है फ्लाई व्हील हल्का है, मतलब ऐसे डिबेटेबल कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग आपस में डिसाइड कर लो कि फ्लाई व्हील हल्का है कि भारी है, स्प्रिंग ज़्यादा है कि कम है। तो अल्टीमेटली जो भी है, तो अभी जो मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ उसमें मैं 3 स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करूँगा, वो आप लोगों ने देखा होगा 120 डिग्री एंगल के ऊपर जो स्प्रिंग का फ्री एनर्जी फ्लाई व्हील जनरेटर ये लोग बना रहे हैं, तो वो वाला इन प्रोग्रेस है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो फिर वो ऑल्टरनेटर चैनल पे आएगा। ऑब्वियसली इंग्लिश में वीडियोस इस तरीके की देखनी है तो आप डेफिनेटली उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक का पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे पिछले मिस्टर इलेक्ट्रॉन स्कैम एक्सपोज चैनल पे, इसका पार्ट 1 जो था। तो अब ये पार्ट 2 है जिसमें मैंने जनरेटर लगा के इसको चला के दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंग्स की मदद से, ये वीडियो रिवर्स में है मैं बता दूँ आपको, मैंने रिवर्स किया है और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली किया है कि कहीं से ये पता ना चल पाए कि इसमें रिवर्स किया गया है या कहीं कट फ्रेम आया, एकदम स्मूथ आया है सब कुछ। एनी वेज यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा ट्रेडमिल मोटर है, 220 वोल्ट्स का है और आपका काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करता है, इसमें फ्लाई व्हील लगा है, ये सच है ना, ये झूठ नहीं है, ये फ्लाई व्हील, ये डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जो है आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 100 वॉट्स का 220 वोल्ट का बल्ब जलाया है और ये एक्चुअल में जला था, अगेन फेक नहीं है, ये एक्चुअल में जनरेटर की तरह काम करेगा। देख सकते हैं बहुत तेज़ बल्ब जल रहा है, लेकिन एक्चुअल में बल्ब इससे भी ज़्यादा तेज़ जलता है, ये हाफ ब्राइटनेस है 100 वॉट्स के बल्ब की। और ये कैसे बात मैं बोल रहा हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं मीटर से इसका जनरेटेड वोल्टेज मेजर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। मीटर पे डीसी वोल्टेज सेट है और मैं रस्सी खींच रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 109 वोल्ट्स निकल आया, बल्ब हमारा 220 वोल्ट का है राइट, और 109 को 110 मान लो तो आधा वोल्टेज बल्ब को फीड किया जा रहा है, तो मतलब आधी ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल होता है दोनों। ये होने के बाद अब मैंने दिखाया यहाँ पर कि ये जनरेटर है जो ऐसे ऐसे काम करता है, एंड देन इस जनरेटर को मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ इस फ्रेम के ऊपर, और ऐसे ड्रिल करके एंड देन बेंट की मदद से उसको कपल करके। इत्तेफाक से किस्मत अच्छी थी मेरी कि मुझे अलग से फ्लाई व्हील पे के आसपास शाफ्ट पे पुली नहीं लगानी पड़ी, क्योंकि मेरा फ्लाई व्हील खुद ही एक बहुत बड़ी सी पुली था और ये एक पुरानी आटा चक्की की मोटर की पुली है, सोचिए कितनी बड़ी मशीन होगी, 40 वाले साल से ऐसे ही जंग लगी पड़ी थी, तो मैंने इसको वापस से यूज़ किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेल्ट से ही पूरा सेटअप ऐसे चल रहा है। यहाँ पे अभी जो है अगेन ये पूरा रिवर्स है और सारा का सारा कट फ्रेम पे चल रहा है पूरा का पूरा वीडियो। और ये बॉक्स है, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बोर्ड बॉक्स है ना जिसमें आपके बल्ब और तार ये सब लग के जलेगा, उसमें मैंने वायरिंग नहीं की है, उसमें मैंने तार वार कुछ भी नहीं लगाया है, तार जो है पाइप्स के आसपास से आया है जो ग्रीन कलर्ड पाइप्स है, और ये मैंने इसको ऐसे घुमाया
अब ये चलता जाएगा क्योंकि दूसरी साइड से मैंने जो है इलेक्ट्रिसिटी दे के मोटर को ऑन कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि वो जो ट्रेडमिल का मोटर है वो फर्स्ट केस पे तो मोटर ही था, राइट। और उसको जनरेटर की तरह मैंने इस्तेमाल करके दिखाया था, तो दिखाया ये कि इसको जनरेटर की तरह इस्तेमाल करना है, पर अभी मैं इसको मोटर की तरह इस्तेमाल करके उल्टा ही फ्लाई व्हील एंड स्प्रिंग्स को अप एंड डाउन और ये सब काम कर रहा हूँ। और उसी पावर सोर्स की मदद से मैं बोर्ड के ऊपर लगे हुए बल्ब्स एंड बाकी चीज़ों को भी चला के दिखा रहा हूँ। वायर आपको कहीं भी नहीं नज़र आएगा, नहीं स्पॉट कर सकते, वो मैंने बहुत अच्छे से हाइड कर दिया है क्योंकि इतना तो देखने को पता ही चल जाता है कि बाकी लोग कैसे क्या कर रहे हैं। इट इज़ ईजी, बहुत आसान है पता करना कि इतने सारे ऑप्शन होते हैं, आप कोई भी चीज़ कोई भी रास्ता आप चुन सकते हो इस वायरिंग को छुपाने के लिए और कहाँ से पावर सोर्स देना है। मैंने एक रास्ता चुना, बाकी लोग कुछ और भी चुन सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बल्ब ऑलरेडी चल रहे हैं। मतलब क्या यार, क्या इतना बेवकूफ़ी का प्रोजेक्ट है ना, लिटरली सच बताऊँ। ये जो जनरेटर है ना, ये खुद में 1 किलोवाट का जनरेटर नहीं होगा, कितने तो बल्ब जल रहे हैं, उसके ऊपर मैं ड्रिल मशीन भी चला रहा हूँ। और आप फ्लाई व्हील का आरपीएम देखिए भाई, इतने आरपीएम के ऊपर इतना जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट कर पाएगा। और सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, मानता हूँ कि रिडक्शन गियर है, तो फ्लाई व्हील अगर 2 4 बार नाचेगा तो हमारा मोटर का जो फ्लाई व्हील है वो करीब 10 बार नाचेगा गियर रेशियो की वजह से, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं है कि आपका अच्छा खासा वोल्टेज जनरेट कर पाए। बहुत से बहुत 60 70 होगा, लेकिन उसके ऊपर इतने बल्ब की ब्राइटनेस नहीं आ पाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जिगसॉ एंड ड्रिल मशीन सब चल रहा है, अभी मैं एंगल ग्राइंडर भी कनेक्ट करूँगा। सब टोटल फेक है, वायरिंग आ रखी है, सारा का सारा स्कैम चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पैसा कमा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बना पाएँ। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि आज जो आदमी इस चीज़ को रियल समझेगा ना, वो सबसे पहली बात अपना कीमती वक्त वेस्ट करेगा इन सब चीज़ों को बनाने में, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट एंड कितना सारा टाइम इन्वेस्टमेंट और डिसेप्शन एंड एवरीथिंग ये सब फेस करने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये लगता है कि अगर बाकी लोग जिन लोगों ने जो फ्री एनर्जी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको ज्वाइन करना शुरू किया था, उससे बहुत बेहतर होता अगर उन लोगों को एक्सपोज करना शुरू करते, वो लोग काम भी सही होता, रास्ता भी सही होता एंड बाकी लोग यानी व्यूअर्स हैं उनके फ़ायदे का भी होता, उन लोगों को धोखा नहीं मिलता। मतलब अगर आप लिटरली बना सकते हो फ्री एनर्जी ना तो बनाओ, लेकिन जब बन जाए ना तो दिखाओ, उसको फेक करके नहीं दिखाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चला के दिखाया है, चला थोड़ी देर और उसके बाद, मतलब ये रियल पार्ट है, मैंने इसको जो है रिवर्स पे नहीं किया इसीलिए क्योंकि मैंने इंग्लिश चैनल पे भी इसको एक्सपोज किया था। लेकिन अब जिन लोगों ने ये एंडिंग पार्ट नहीं देखा होगा उन्होंने स्टार्टिंग में ही कमेंट कर दिया होगा, और जिन्होंने एंडिंग पार्ट देखा होगा उनको लग रहा है कि मैं सही काम कर नहीं पाया हूँ, मुझे ज़्यादा स्प्रिंग्स लगाने चाहिए थे। तो एनीवेज दिस इज़ द ट्रूथ। और बाकी के लिए जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करके भी ये चीज़ ट्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि करती है कि नहीं काम करती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।